वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, और अब हम थोड़ी सी स्पोर्ट्स की बात करेंगे और टेनिस की बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है उष्णा सुहेल ने, जो कि टेनिस प्लेयर हैं। थोड़ा सा मैं इनके हवाले से बता दूं कि ये पहली खातून टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया है एशियन गेम्स में, और ये 10 टाइम्स ऑल पाकिस्तान नेशनल लेडीज चैंपियन भी रह चुकी हैं, और 12 टाइम्स ये ऑल पाकिस्तान जूनियर चैंपियन भी रह चुकी हैं। इनकी मजीद क्या अचीवमेंट्स हैं, इस हवाले से हम उष्णा से ही जानेंगे, क्योंकि अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। मैं चाह रही हूँ उष्णा आपने मुझसे बता दें, कुछ में गलती वलती ना कर दूँ। और इसके साथ साथ हमें हमारे रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स की बीट को देखते हैं, बिलाल अकील, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो उष्णा, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? अच्छा उष्णा, आपके हम टेनिस करियर के हवाले से थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आगाज कब हुआ, कैसे हुआ? मैंने टेनिस शुरू की थी व्हेन आई वाज अबाउट 11-12 इयर्स ओल्ड, और आई थिंक मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं बड़े होकर टेनिस प्लेयर बनूंगी, बट क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे फादर की साइड इज इन टू टेनिस, मेरी पप्पो भी, मेरे कज़न असामुल हक भी, तो आई थिंक वो फैमिली की एक, मेरे दादा अबू भी बिफोर पार्टीशन इंडो पाक नंबर वन थे पूरे ऑल इंडिया, सो आई थिंक एक रीज़न है कि मैंने टेनिस में मैं आई हूँ। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, शायद मे बी मैं क्रिकेट में होती या किसी और स्पोर्ट में होती, लेकिन स्पोर्ट्स मेरा शुरू से एक पैशन था, लेकिन टेनिस समहाउ आई थिंक डेस्टिनी में मेरे था टू प्ले द स्पोर्ट एंड टू प्रोग्रेस इन इट, एंड अल्लाह का शुक्र है I've made the best of it जितना मैं खेली हूँ। और तो अपनी थोड़ी सी एशियन गेम्स के हवाले से पार्टिसिपेशन भी बताएं, और जो आपकी अचीवमेंट्स रही उसके हवाले से बताएं। मुझे अभी तक याद है 2014 में एशियन गेम्स थी कोरिया में, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली दफ़ा था कि एक इतने बड़े स्टेडियम में एक ओपनिंग सेरेमनी में आप पाकिस्तान का कलर पहन कर, और आप एक वो जो आपने एक वॉक अराउंड करना होता है अमंग ऑल द अदर टॉप एथलीट्स इन द वर्ल्ड, बहुत ऑनर की बात होती है, और जो फिर एक माहौल उधर बना होता है, मतलब दुनिया भर के टॉप एथलीट्स ऑफ ऑल कंट्रीज, एशियन कंट्रीज आए होते हैं, आपको इतना कुछ देखकर उनको सीखने को मिलता है, और नो डाउट बहुत ऑनर की बात होती है कि आप अपने पाकिस्तान का कलर पहनकर और इंटरनेशनल स्टेडियम में ऐसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। तो वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी टूर्स लग, इस्लामिक गेम्स, इंडोर एशियन, अब आफ्टर दैट कोई मेरे ख्याल से 7-8 टूर्स लग चुके हैं। फिर फेड कप में भी पिछले 11 साल से आई बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और मेरी मैक्सिमम सिंगल्स और डबल्स में विन्स हैं, बट फेड कप और एशियन गेम्स में बहुत फ़र्क है। लाइक ऐसे एशियन गेम्स जो है वो एक ओवरऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो एशिया की कंट्रीज हैं उसके टॉप एथलीट्स के साथ होना, और फेड कप इज प्योरली टेनिस ओरिएंटेड, थोड़ा फर्क आता है। सो आई थिंक श्योरली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। लवली लवली लवली। बिलाल, टेनिस क्योंकि एक बड़ा स्पोर्ट समझा जाता है इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में इसकी फैसिलिटीज, कैंप्स, कोचिंग, इसके हवाले से क्या अब है फैसिलिटीज? पाकिस्तान में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है जिस तरह से आपके जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि जो लो मिडिल क्लास लोग हैं वो ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन इस चीज़ को एक बंदे ने गलत किया, अकील खान, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन He played really well. उसके अलावा आपके पास इसामुल हक हमारे टेनिस स्टार हैं, और वो आज तक जितनी भी उन्होंने तरक्की की, वो लास्ट टाइम भी मिले हैं, वो भी बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो कोर्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं हैं, और ख़ास तौर पे अब जब बच्चा आपके स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जाता है उसको सबसे पहले पता ही सिर्फ क्रिकेट का होता है, उसको टेनिस का इतना इल्म ही नहीं होता। नेशनल गेम के बारे में भी, इवन नेशनल गेम के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता खेलना कैसे है, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसको कैसे फॉलो करते हैं। अब जाके देखें कि हमारे पाकिस्तान इस टाइम लाहौर में शहर में सिर्फ 5 या 6 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोर्ट्स बने हुए हैं टेनिस के, और प्लेयर्स जो हैं उनको इतनी फैसिलिटेट नहीं करते, और ख़ास तौर पे ये जो पंजाब लॉन टेनिस क्लब है ये बागे जिना में, ये हर साल में 3-4 टूर्नामेंट्स करवाते रहते हैं कि इसको रिवाइव रखा जाए, इस चीज़ को कि नए से नए नया टैलेंट तलाश किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत को भी इसमें आगे आना चाहिए, हुकूमत को भी आगे आकर इसमें थोड़ा सा अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि जो टेनिस प्लेयर्स हैं वो ही इस मुल्क का फ्यूचर है, उन्होंने ही जाके आगे, जैसे ये बता रही हैं उष्णा भी, एशियन गेम्स हैं, उसके अलावा फेड कप है, वहाँ पे जाके हमारे ही प्लेयर रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम अपने प्लेयर्स को नहीं फैसिलिटेट करेंगे तो हमारी अच्छी होगी तभी तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। उष्णा, आपसे जानना चाहूंगी फैसिलिटीज के हवाले से खवातीन के लिए स्पेशली क्या लगता है, किस तरह की मजीद इकदाम होने चाहिए, और क्या क्या चीजें लैक करती हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली पेश आ रही हैं?
आई थिंक सबसे पहले प्रॉब्लम मैं कहूँगी कि पिछले अराउंड 10 ईयर्स से हमारा कोई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पाकिस्तान में नहीं हुआ. ये अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया में देखें, उधर हर महीने उनके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स बाहर से खेलने आते हैं और उससे जो इंडियन प्लेयर्स का बूस्ट है वो बहुत बढ़ता है. और अब आप देखें कि अगर आप एशियन गेम्स वगैरह जैसी जगहों पर जाएँ तो ऐसे बड़े इवेंट्स में वो मेडल्स जीतते हैं. क्यों? क्योंकि उनका एक सिस्टम डेवलप हो चुका है और एक उनका वो जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, सिर्फ टेरिस ही नहीं, आई थिंक ओवरऑल स्पोर्ट्स उनकी काफ़ी आगे जा चुकी हैं. तो ठीक है, हम कहते हैं इंडिया 5 गुना बड़ा है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक पाकिस्तान में जो एक प्रॉब्लम रही है वो पिछले 10 साल से कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं हुए. लेकिन अब छोटी सी ओपनिंग हुई, आप देखें डेविस कप हुआ है पिछले 2 सालों में, उसके अलावा मेंस के फ्यूचर्स टूर्नामेंट्स हुए. इसी तरह मैं सजेस्ट करूंगी कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को वुमेन के लिए भी इनिशिएटिव लेना चाहिए. हमारा 10 साल पहले एक टूर्नामेंट, 3 फ्यूचर टूर्नामेंट्स हुए थे वुमेन के इंटरनेशनल, और उसमें आई रिमेंबर इतने प्लेयर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब इंडिया, कोरिया, जापान, मतलब अच्छी नेशन से आए थे. अभी भी आप देखें जो पिछले दिसंबर में हमारे 3 फ्यूचर्स बैक टू बैक मैन किए हुए हैं, उसमें भी यूरोप वगैरह और टॉप 300 प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड आए हैं. तो इसी तरह शुरू होता है. आई थिंक फेडरेशन को इनिशिएटिव देना चाहिए ताकि टेनिस का रिवाइवल हो पाकिस्तान में, वुमेन टेनिस का खास तौर पे. और एक क्रेडिट मैं फेडरेशन को दूंगी कि नंबर ऑफ नेशनल टूर्नामेंट्स उन्होंने बढ़ाए हैं पिछले 1-2 सालों में. बट एट द सेम टाइम जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो उसमें अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. मतलब आई थिंक क्योंकि उससे एक्सपोजर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का भी मौका मिलता है. एंड जैसे उन्होंने कहा है कि एक्सपोजर टेनिस में इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, मतलब जैसे मेरा भी था, मैंने वर्ल्ड रैंकिंग आई थिंक 10-12 टूर्नामेंट्स खेल के ली थी, जबकि आप बाकी प्लेयर्स से कंपेयर करें तो वो 45 out of 52 weeks अराउंड द वर्ल्ड टूर्नामेंट्स खेलते रहते हैं. सो आप इसमें देखते हैं कंपेयर टू 10-12 टूर्नामेंट्स एंड 45 टूर्नामेंट्स कितना फ़र्क आ जाता है. आई थिंक अगर उनकी तरह अपॉर्चुनिटी मुझे या बाकी टैलेंटेड प्लेयर्स को, अल्लाह का शुक्र है मैंने वर्ल्ड रैंकिंग फिर भी बना ली, तो आप देखें पोटेंशियल है. सो यही चीज़ें थोड़ी सी आई थिंक जो लैक करती हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का रिवाइव होना इज इम्पॉर्टेंट. ठीक हो गया बिलाल. अभी जैसे उसना कह रही है बहुत इनिशियली अपने जो आपका जो प्रोडक्ट है या जिन बच्चों में पोटेंशियल है इनको ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है हर जो खेल है उसकी. टेनिस की भी अगर बात की जाए, यहाँ पर स्कूल लेवल पर उस तरह से इसको प्रमोट नहीं किया जाता. मुझे लगता है मेजॉरिटी हमारी जो यूथ है या यंग जनरेशन है उनको क्रिकेट के अलावा इतने जो गेम्स हैं उनका आइडिया नहीं. तो उस हवाले से भी थोड़ा मैं आपको बताता हूँ. इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि आपके ग्रास रूट लेवल पे सारे बच्चों को एक चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि आप कौन सी स्पोर्ट्स जो है उसको लाइक करते हैं. ठीक है, अब जिस तरह हमारे मुल्क से ही प्लेयर्स उठते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, अब जैसे इसामुलक उठे, अब आप पूछ लेंगे किसी दूसरे टेनिस प्लेयर से, वो कहेगा मैं इसामुलक बनना चाहता हूँ, या वो कहेगा मैं रॉजर फेडरर बनना चाहता हूँ, या मैं नडाल बनना चाहता हूँ, या जोकोविक बनना चाहता हूँ. लेकिन बात यह है कि तब तक वो नहीं बन सकते जब तक उन्हें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, ख़ास तौर पे हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो कोचेज हैं, और ख़ास तौर पे उन कोचेज को हायर करना चाहिए, क्वालिफाइड कोचेज हों जिन्होंने लेवल 1 लेवल 2 की कोचिंग कोर्स किए हों, ताकि वो बच्चों को वही रूल्स एंड रेगुलेशन से सिखा. अब हमारे पाकिस्तान में एक छोटा सा मसला ये है, हमारे प्लेयर्स को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होते. हमारे प्लेयर्स जब जाते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने, वहाँ पे लैग करते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे प्लेयर्स को प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही नहीं आगाह किया जाता कि भाई आप एक क्रिकेट में जा रहे हैं तो आपने ये चीज़ नहीं करनी. ठीक है, लेकिन हमारे प्लेयर्स को वो उस तरह से गाइड नहीं किया जाता प्रॉपर, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल से ये चीज़ चलती है. क्योंकि अगर बेस अच्छी बनी होगी तो आपके जो प्लेयर्स हैं वो आगे ज़्यादा अच्छे आएंगे. अगर आपकी बेस ही नहीं अच्छी बनेगी, क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स ले लें आप, चाहे हॉकी ले लें, चाहे फुटबॉल ले लें, अगर आपका ग्रास रूट लेवल बेहतर नहीं ना होगा तो आपके ऊपर प्लेयर्स नहीं अच्छे आ सकते. और आप इस बात से एग्री करेंगे? डेफिनेटली आई थिंक जैसे ग्रास रूट लेवल की बात की है, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होना चाहिए. मतलब आई थिंक जैसे मैंने इंडिया की एग्जांपल दी है, उनका शुरू में हमारी तरह, मतलब आई डोंट थिंक वो हमारे लेवल के थे ऑलमोस्ट, बट आप पिछले कई सालों में देखें उन्होंने तरक्की की है. देव क्रिएटेड अ स्पोर्ट्स कल्चर, वहाँ पर इंटरनेशनल एथलीट्स कम्पीट करने आते हैं. तो यही बात है कि ओवरनाइट नहीं कुछ होता, बट एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगा तो जैसे ग्रास रूट लेवल की बात करें, बेस की बात करें, वो ऑटोमेटिकली फिर बनती है. एंड देन आपने बच्चों का फ्यूचर भी आगे जाके देखना होता है. आई थिंक लोग ग्रास रूट लेवल पे बहुत फोकस करते हैं, बट इसकी मैं एग्जांपल दूंगी. अगर आप लेट्स से एक बच्चा अगर कोई Grade 1 या Grade 2 में, उसको आप प्रोफेसर बनने के ख्वाब दिखा रहे हैं, और जब वो कॉलेज लेवल तक पहुंचता है तो वहाँ पर पहुँच कर अनफॉर्चुनेटली हमारा आप उसके करियर को स्टैगनेंट कर दें, उसको आइडिया नहीं होता कि आगे जाके मैंने करना क्या है.
ये जो इन्होंने बात की है लैक ऑफ कोचिंग फैसिलिटीज मैं कहूँगी कि गाइडेंस एक प्रॉपर नहीं होती क्योंकि टू बिकम अ टेनिस प्लेयर ये कोई इसकी एज लिमिट नहीं होती एक लाइफ टाइम लग जाती है टू क्रिएट अ नेम इवन एट द नेशनल लेवल बिकॉज ये गेम इतनी टफ है तो मैं यही कहूँगी कि गाइड प्रॉपर गाइडेंस एंड एक प्रॉपर कोचिंग सिस्टम और वही जैसे स्पोर्ट्स कल्चर की बात की है इट टेक्स टाइम टू डेवलप ओवरनाइट नहीं होता बट वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह एज अ फीमेल जो कि आप इस गेम में आई आपने बताया आपके फैमिली बैकग्राउंड में से लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होंगी जो इस बैकग्राउंड के साथ या इस तरह से नहीं आई बट एट द एंड उनको भी तो कुछ प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज आई होंगी किसी ना किसी चीज़ में जो आपने फेस किया आपको लगता है कि बहुत सारी जो अब नया लॉट आ रहा है उसमें भी ये प्रॉब्लम है उसमें आई थिंक अभी तक जितनी स्पोर्ट्स फीमेल एथलीट्स हैं पाकिस्तान में आई थिंक उनके पेरेंट्स हैव बीन बिहाइंड देम दैट्स द रीज़न कि वो स्पोर्ट्स में होती हैं बिकॉज फैमिली सपोर्ट के बगैर आई थिंक बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में स्पेशली अगर आप फीमेल स्पोर्ट्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स मैं यही कहूँगी बेसिकली जैसे फैसिलिटेशन की बात हुई है कि एक पोटेंशियल एक टैलेंट होता है बट आप बाहर जाके प्लेयर्स को टफ टाइम भी देते हो आपको पता चलता है आपकी गेम का लेवल और उनकी गेम के लेवल में खासा डिफरेंस नहीं होता बट एट द सेम टाइम वही लैक ऑफ एक्सपोजर आपका पॉलिश नहीं हुआ होता स्किल पॉलिश उस तरह से स्किल नहीं हुआ था दूसरा आप अपने मतलब जैसे अंडर 18 तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था उसके बाद FFC ने मुझे 3 years अपनी स्पोर्ट्स एम्बेसडरशिप दी जनरल लोधी ही वाज़ अ टेनिस लवर मुझे फॉलो करते थे थ्रू माय जूनियर करियर तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया ही पिक मी और उन्होंने ऐसे मुझे एम्बेसडरशिप दी आई एम ग्रेटफुल टू FFC के उन्होंने मुझे एम्बेसडरशिप दी तो मैं ऐसे इजिप्ट और अराउंड द वर्ल्ड टूर्नामेंट्स खेल सकी तो अदरवाइज फाइनेंशियली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि पेरेंट्स की स्ट्रॉन्ग है मैं ये जानना चाहूंगी फेडरेशन मैं कहूँगी वो साल में हमें जैसे एशियन गेम्स या फेड कप हो गया इन टूर्नामेंट्स पे ही भेजती है तो अब आप कंपेयर करें उन प्लेयर्स के साथ जो सारा साल खेल कर लाइक फेड कप या एशियन गेम्स इज वन ऑफ द टूर्नामेंट्स फॉर देम कंपेयर टू समवन जो फॉर होम मतलब दैट वन और टू टूर्नामेंट्स इज द ओनली टूर्नामेंट जो आप खेलो सारे साल में और फिर भी अगर ये करके अगर आप उनको टफ टाइम देते हो और जीत लेते हो बीच में तो दैट शोज पोटेंशियल है लाइक लास्ट ईयर आई रिमेंबर आउट ऑफ 16 टीम्स हम टॉप 8 में फिनिश करके आए थे फेड कप में और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान वुमेन टीम की आफ्टर 3 years ये परफॉर्मेंस थी तो इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस हमने अच्छी टीम दो तीन टीम्स को मारा था एंड यही मैं कहूँगी कि I think इस गैप को फेडरेशन शुड कवर अप कि बिफोर सच टूर्नामेंट्स वो हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे भेजें ताकि हमें ये ना लगे कि एकदम हम वहाँ पे गए हैं तो एक बहुत ही नया माहौल है और बहुत ही एक नई जगह पर हम आ गए एक यूज टू होकर उससे पहले एंड देन फेडरेशन इनकी अब जो टेनिस के हवाले से अभी इन्होंने कहा कि गैप फिल करने की जरूरत है फेडरेशन हमेशा से क्रिकेट के अलावा वो भी PCB चूंकि एक इंडिपेंडेंट इदारा है हमेशा से अब चाहे वो टेनिस है बास्केटबॉल है बेसबॉल है हर जो प्लेयर है वो यही कंप्लेन करता है कि फेडरेशन सपोर्ट करना चाहती हैं पर दे डोंट हैव फंड्स फेडरेशन के पास फंड नहीं होते फंड्स जो उन्हें मिलते हैं अब एक टूर्नामेंट आप करवाते हैं अगर टेनिस का अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट करवाते हैं तो आपको 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा चाहिए क्योंकि आपने टेनिस भी वो कोर्ट्स भी बुक करवाने हैं उसके अलावा प्लेयर्स को भी फैसिलिटेट करना है प्लेयर्स जो बाहर से आए हुए हैं आउट ऑफ सिटी आए हुए हैं उनकी आपने अकोमोडेशन भी करनी है तो ये तकरीबन आपने फिर मीडिया का रोल एक अहम होता है मीडिया को भी आपने अकोमोडेट करना तो ये सारी चीज़ें करना एक आसान काम नहीं है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये वाकई इसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं ख़ास तौर पे एक प्लेयर के लिए क्योंकि प्लेयर की डाइट पे सारा कुछ डिपेंड करता है क्योंकि जब तक आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे आप अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते और दूसरी चीज़ कि इसामुल हक आज इस मकाम पे पहुंचे हैं एक तो उनका टैलेंट है दूसरा उनका कि उनके फैमिली उनके साथ है ठीक है उनके साथ उनकी फैमिली बैक थी लेकिन अकील खान सेम उस लेवल के प्लेयर हैं नंबर वन है इस टाइम पाकिस्तानी लेकिन वो इस वजह से नहीं आगे जा सके कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है प्लेयर्स में लेकिन हमारी फेडरेशन ने अकील खान को हमेशा सपोर्ट किया हमारे फेडरेशन ने हमेशा जो है वो इसामुल हक को भी सपोर्ट किया सारे प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं लेकिन उनको चाहिए कि खास तौर पे वो लाट जो हमारी जाके इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान को उन पे और इन्वेस्ट करने की ठीक हो गया उसना अब चूंकि हमने थोड़े मसाइल की बात की जरा आपकी इंटरनेशनल टूर्स की बात करते हैं कोई एक यादगार मैच कुछ मजेदार आपके साथ एक्सपीरियंस हो थोड़ा कह लें थ्रिलिंग सा हो कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ
आई थिंक एक्सपीरियंसेस काफ़ी हैं दैट आई कैन रिमेंबर, लेकिन जो दो तीन मुझे मेजर याद हैं, एक दफ़ा आई रिमेंबर 2010 में फेड कप टीम 11 साल बाद गई थी और ओपनिंग मैच मैंने खेला था फॉर पाकिस्तान, वो भी आई थिंक अगेंस्ट किर्गिस्तान था, एंड आई वॉन दैट मैच और हम काफ़ी एक्साइटेड हुए थे क्योंकि 11 साल की गैप के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वुमेन टीम फेड कप पर गई थी एंड सारे बहुत एक्साइटेड थे. मतलब मुझे याद है उस टूर पे मेरी अम्मी भी थी मेरे साथ, तो दैट वाज स्पेशल. और उसके अलावा सैफ गेम्स में जो इंडिया में मैं ब्रॉन्ज मेडल्स जीती थी वो पाकिस्तान, एंड वहाँ पे जब नेशनल एंथम बजा था तो बहुत एक स्पेशल फीलिंग थी. स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर हमारा एक पुराना वो जो चलता आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का, सो काफ़ी अल्लाह का शुक्र एक्सपीरियंसिस से. फिर इजिप्ट में भी काफ़ी मेरी अच्छी विन्स रही हैं, साउथ अफ्रीका मैंने ट्रैवल किया हुआ, उधर मेरी अच्छी विन्स थी, एंड ऐसे काफ़ी मोमेंट्स थे. बट कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आई थिंक आपको स्पेशली याद रहते हैं. सो आई थिंक फेड कप में जो मैंने फर्स्ट विन आफ्टर 11 इयर्स ली थी ओपनिंग मैच में, दैट वाज समथिंग स्पेशल. और इसके अलावा फिर पाकिस्तान में भी जब 10 साल पहले ITF हुआ था तो उसमें आई रिमेंबर मेरा 3 घंटे का मैच हुआ था अगेंस्ट दिस इंडियन प्लेयर जो नंबर 4 सीड थी टूर्नामेंट की, यही फ्यूचर्स टूर्नामेंट था. And that was my first win on ITF tour. मैं 15 साल की थी एंड आई रिमेंबर हमारा कोर्ट 1 पे हो रहा था और सारे बहुत चेयर कर रहे थे और मेरा आई थिंक स्कोर 3rd set 6-4 था. सो वो भी एक मेमोरेबल मैच है बिकॉज आई प्लेड रियली वेल दैट डे. और कोई एक ऐसा प्लेयर जिसने आपको बहुत टफ टाइम दिया और समटाइम्स ऐसे भी आपके मोमेंट्स आते हैं उस हवाले से? टफ टाइम इज इन खेल के अंदर कुछ होता है ना कि आप प्रेशराइज हो जाते हैं या थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है? हाँ जी, वेरियस मैचेस रहे हैं, मतलब इतने मैचेस खेले तो हार जीत चलती रही है. बट कुछ ऐसे मैचेस हैं जो आपको, आई रिमेम्बर जॉर्डन में मेरा एक ITF का सेमी फाइनल हो रहा था और मेरा मैच मेरी डबल्स पार्टनर सी था, शी वाज इंडियन, और हमारा उसी दिन सेमी फाइनल डबल्स का भी था. आई रिमेम्बर हमारा सुबह 9 बजे मैच शुरू हुआ था और वो दोपहर 1 बजे ख़त्म हुआ था. ओह माय गॉड. एंड उसके बाद हमने घंटे की ब्रेक के बाद डबल्स मैच अपना खेलना था एंड दैट वाज अ वेरी हार्ड ब्रेक लॉस. में 3rd set 7-6 हारी थी. आई हैड लाइक 3 match points और आई थिंक टाई ब्रेक का भी स्कोर अराउंड 15-13 था 3rd set में. सो वो एक मैच, मतलब वी हैड अ वेरी लॉन्ग मैच, बट डबल्स मैच उस दिन वी वन. बट जब मैं कमरे में गई थी आई रिमेंबर इतनी गर्मी थी एंड आई थिंक 45 degrees Celsius था. एंड टूर्नामेंट के बाद मतलब हम पिक्चर्स देख रहे थे अपनी पुरानी और हम बहुत हंस रहे थे क्योंकि डबल्स भी उसी दिन खेला था और फिर 4 घंटे का सिंगल्स मैच आपस में खेल कर आई थिंक एग्जॉस्टिंग. अच्छा, उसका इंस्पिरेशन भी होता है कोई ना कोई प्लेयर या कोई ना कोई, आपके लिए कौन इंसान या कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप उससे इंस्पायर? आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट वुमेन प्लेयर इज किम क्लाइस्टर्स, बेल्जियम की, ऑल्दो शी इज रिटायर्ड नाउ. बट आई बिकॉज मेरा पर्सनल इंट्रैक्शन भी उनसे हुआ हुआ, मैं उनकी अकेडमी में मेरा 1 month ट्रेनिंग कैम्प बेल्जियम में लगा हुआ है, तो आई हैड अ पर्सनल इंट्रैक्शन विद हर. एंड ऑफ कोर्ट भी शी इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन और द वे शी कैरीज हरसेल्फ बहुत ग्रेसफुल सी है और जो अचीवमेंट्स भी ऑब्वियसली उनकी है. एंड आई थिंक बहुत फ्यू फीमेल टेनिस प्लेयर्स ही मैं सिर्फ कहूँगी, फीमेल एथलीट्स हैं जिन्होंने बींग अ मदर एक अच्छी लेवल पर अचीवमेंट की एंड शी इज़ वन ऑफ देम. तो वो भी एक इंस्पायरिंग चीज़ मुझे लगती है कि शी इज़ family person but at the same time she's been achieving. So ye cheez main Serena Williams ke bare mein bhi kahungi ki definitely after being a mother she's still playing, compete kar rahi hai itne level pe. To being a woman ye cheez inspiring hoti hai ki aap apni family life ko bhi balance karo and saath mein you're able to matlab keep up your sport and achieve in that. Lovely. Usna hamare platform se koi message dena chaho logo ko jo aapko dekh rahe hain? I think follow your dreams. I think लाइक आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक लाइफ इज़ अ चैलेंज और आपने इसको परस्यू करना होता है. एंड जब डाउन्स भी होते हैं तो जस्ट रिमेंबर दैट लाइफ में मतलब कुछ भी ईजी नहीं मिलता, सो ट्राई टू कवर दोज ऑब्स्टिकल्स क्योंकि वो अचीवमेंट जो उसके बाद होती है उसकी फीलिंग इज समथिंग स्पेशल. तो मैं कहूँगी कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड आई थिंक फेथफुल रहना चाहिए in whatever you do in life and obstacles are there but you have to keep going. Lovely. Thank you very much Usna, bahut shukriya aapke aane ka. Thank you very much Bilal, aapka bhi bahut shukriya janab. Aaj humne tennis प्लेयर से आपकी मुलाकात करवाई, जो जो फैसिलिटीज़ हैं और मज़ीद क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस पर भी हमने डिस्कशन की. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मैं और भी मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर.